नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश का वन और राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य इत्यादि से संबंधित क्विज का। निरंतर इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको जानना आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का लगभग कितने प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है एक तिहाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग आता है? 10.2, 11.4, 15 और 20। राइट आंसर है 11.4% भाग वनों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बालाघाट, बैतूल, भोपाल, जबलपुर। राइट आंसर है जबलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालपुर कुनो अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मुरैना, श्योपुर, डबरा और दतिया। राइट आंसर है श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वानिकी प्रोत्साहन हेतु पंचवन योजना ये कब से आरंभ की गई? 1970, 1975, 1980, 2010। राइट आंसर है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा वन वृत्त सबसे छोटा है? खंडवा, होशंगाबाद, अंतरगढ़ और पनबरस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होशंगाबाद, वन वृत्त सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वनों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? साल, बांस, सागौन, खैर। राइट आंसर है सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंध संस्थान IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल। राइट आंसर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंदुपत्ता सर्वाधिक किस राज्य में एकत्रित किया जाता है? उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस उद्योग में साल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? रेलवे स्लीपर, माचिस, कत्था, कागज। राइट आंसर है रेलवे स्लीपर। हालांकि आजकल अब जो रेलवे स्लीपर बनते हैं वो तो अब सीमेंट के बनने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं? 30.5, 30.7, 35 और 28। राइट आंसर है इसका 30.7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मिजोरम। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही एवं पैंट उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला भिलाला इनमें से किस स्थान पर पाया जाता है? छिंदवाड़ा, बालाघाट, श्योपुर, मुरैना। राइट आंसर है इसका छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था उद्योग में किस लकड़ी का प्रयोग होता है? साल, सागौन, खैर, शीशम। राइट आंसर है खैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? 24 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1981, 24 जुलाई 1975, 21 जून 1991। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जुलाई 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या कितनी है? 4, 15, 27, 13। और इसका जो राइट आंसर है वो है 13। वैसे 14 भी कई बुक्स में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थापित संजीवनी संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जंगली जानवरों की देखभाल करना, वृक्षारोपण करना, वन औषधि के वितरण को प्रोत्साहन करना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है वन औषधि के विपणन को प्रोत्साहित करना, यानी हर्बल औषधि का विपणन को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार के वनों में लकड़ी कटाई एवं पशुचारण पर कठोर प्रतिबंध होता है? संरक्षित वन, आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और निजी वन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अवर्गीकृत वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस वृक्ष को बोरर कीट से नुकसान पहुंचता है? साल, सागौन, खैर, अशोक। राइट आंसर है साल बोरर, यानी साल के वृक्ष को। साल बोरर एक कीट होता है जो साल के वृक्ष को बहुत नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो ये जो वनों का वो है सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी, श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, इंदौर, देवास, उज्जैन। राइट आंसर है सागर, छिंदवाड़ा, छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पर स्थित है? शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर। राइट आंसर है शिवपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पाल एवं वन संरक्षकों का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? रीवा, अमरकंटक, लखनादौन, ये सभी। राइट आंसर है इसका ये सभी स्थानों पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पहरेदारों का ट्रेनिंग स्कूल कहाँ है? बैतूल, अमरकंटक, ए और बी और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? बैतूल, भोपाल, इंदौर, गोहद। राइट आंसर है इसका बैतूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देश के कितने प्रतिशत तेंदुपत्ते का उत्पादन किया जाता है? तो ऑप्शन है 50, 60, 70, 80, और जो राइट आंसर है इसका वो है 60%। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक तेंदुपत्ते का उत्पादन करने वाला राज्य है। तेंदु एक हर्बल है और इसका अधिकांश इस्तेमाल बीड़ी बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2002, 2003, 2004 और 2005। राइट आंसर है इसका 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1965, 1970, 1975, 1980, और जो इसका राइट आंसर है वो है 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई? 1973, 1976, 1979 और 1983। राइट आंसर है इसका 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी, उमरिया, शिवपुरी, निमाण, होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, लागू किया गया? 1956, 1972, 1974, 1982। और राइट आंसर है इसका 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वनों को कितने वन व्रतों में बांटा गया है? 16, 18, 19 और 15। राइट आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, मंडला, बालाघाट, सीधी, रतलाम, मंदसौर, नीमच। उपयुक्त सभी। राइट आंसर है होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल। नेक्स्ट, सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन व्रत में पाए जाते हैं? खंडवा, इंदौर, भोपाल, बालाघाट। राइट आंसर है खंडवा। नेक्स्ट, डायनासोर के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं, जहाँ पर जीवाश्म उद्यान बनाया जा रहा है? धार, हरदा, उज्जैन, मंदसौर। और इसका जो राइट आंसर है वो है धार। नेक्स्ट, निम्न से किस वन व्रत में लकड़ी की कटाई पर प्रतिबंध है? खंडवा, राजघाट, जबलपुर, राजगढ़, जबलपुर, उज्जैन। और राइट आंसर है इसका खंडवा वन व्रत। नेक्स्ट, सर्वाधिक संरक्षित वन कहाँ पर पाए जाते हैं? राजगढ़, उज्जैन, भोपाल, इंदौर। और इसका राइट आंसर है राजगढ़। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस वन पेटी में कटीले वृक्ष पाए जाते हैं? विंध, कैमूर वन पेटी, मुरैना, शिवपुरी वन पेटी, दक्षिण नर्मदा वन पेटी। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका मुरैना, शिवपुरी वन पेटी। नेक्स्ट, नीमच, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि में मिलने वाले बबूल, कीकर, हर्रा जैसे पौधे किस प्रकार के वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं? उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राइट आंसर है इसका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? धमतरी, महेंद्रगढ़, उमरिया, चापा। राइट आंसर है उमरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर के संरक्षण हेतु कुनो पालपुर अभ्यारण्य का चयन किया गया है? बाघ, गिर, एशियाई शेर, चीता और BOC। राइट आंसर है BOC, गिर के एशियाई शेर गुजरात से जो लाए जाने वाले हैं और चीता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कब स्थापित किया गया था? 1949, 1955, 1981, 1984। राइट आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म संरक्षण हेतु राष्ट्रीय फॉसिल्स उद्यान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है? डिंडोरी, धार, शिवपुरी और डिंडोरी, धार, छतरपुर, शिवपुरी। राइट आंसर है इसका डिंडोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली का क्षेत्रफल कितना है? 980, 990, 940, 900 वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर है 940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? रायसेन, भोपाल, पन्ना, होशंगाबाद। पन्ना नेशनल पार्क के अंतर्गत रेप्टाइल पार्क स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष घोषित किया गया है? 1950, 1983, 1985, 1960। राइट आंसर है इसका 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष कुनो अभ्यारण को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? 2017, 2020, 2018, 2010। राइट आंसर है इसका 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? फॉसिल्स, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पैंच राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान के नाम से मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? काना किसली, कुनो, पैंच, सतपुड़ा। राइट आंसर है पैंच। नेक्स्ट, वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर ने मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? संजय, काना किसली, पन्ना और वन विहार। राइट आंसर है पन्ना नेशनल पार्क। लास्ट क्वेश्चन है, सुपर्ण नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? पैंच, काना किसली, सतपुड़ा, बांधवगढ़। राइट आंसर है काना किसली। तो ये है वन, मध्य प्रदेश के वन अभ्यारण और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्विज। उम्मीद है क्विज पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, जिससे आगे भी क्विज बनाने का मोटिवेशन बना रहे। धन्यवाद।